हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनएक्स, जहां हम कवर करेंगे इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूज नंबर वन, इथेरियम प्राइस हिट्स $3,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2022। इथेरियम की नेटिव क्रिप्टो एथर की प्राइस फेब 20 को $3,000 तक पहुंच गई। एथर ने लास्ट टाइम अप्रैल 2022 में इस प्राइस को टच किया था। एथर की प्राइस बढ़ने का सबसे बड़े रीजन है इन्वेस्टर्स का फोकस थोड़ा सा बिटकॉइन से शिफ्ट होकर इथेरियम पर आना। इसी साल स्पॉट एथर ETF अप्रूव होने की भी चांसेस हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों को ही एथर का एक्सपोजर देगा। पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग स्पॉट एथर के 31 मार्च तक अप्रूव होने के चांसेस 45% है। वहीं ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक बेल्चनास के अकॉर्डिंग स्पॉट एथर ETFs मई तक अप्रूव होंगे और इसके 70% चांसेस हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अप्रूवल कब मिलेंगे और एथर की प्राइस हमें कब मिलेगी और एथर की प्राइस में हमें क्या रैली देखने को मिल सकती है? न्यूज नंबर टू, बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी सरपासेस 80 ट्रिलियन अहेड ऑफ हैविंग। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी फेब 16 को 80 ट्रिलियन के ऊपर चली गई। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी ये मेजर करती है कि कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है। इसके साथ नेटवर्क का हैश रेट, जो कि माइनर्स की टोटल कंप्यूटेशनल पावर को मेजर करता है, वो भी 562.81 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक पहुंच चुका। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी स्टेडली जनवरी 2023 से राइज हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ मंथ्स में ये 100 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में हाईर डिफिकल्टी का मतलब है कि माइनर्स को करेक्ट हैश ढूंढने के लिए और भी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लास्ट ईयर से अभी तक बिटकॉइन की डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अब इसी साल अप्रैल में बिटकॉइन का सबसे बड़ा बिटकॉइन इवेंट हैविंग भी होने वाला है, जिसके बाद बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड्स कट होकर हाफ हो जाएंगे। जहां अभी माइनर्स को 6.25 BTC मिलते हैं, ये बिटकॉइन हैविंग के बाद 3.125 हो जाएंगे। न्यूज नंबर थ्री, वर्ल्ड कॉइन सोर्स 140% इन अ वीक एज वॉलेट ऐप हिट्स 1 मिलियन डेली यूजर्स। वर्ल्ड कॉइन का नेटिव टोकन वाइल्ड WLD लास्ट वीक 140% सर्ज किया। वर्ल्ड कॉइन इज अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट को फाउंडेड बाय OpenAI CEO Sam Altman। WLD टोकन की प्राइस के सर्ज का रीजन है 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। फरवरी 17 को वर्ल्ड कॉइन ने एक एक्स पोस्ट में अनाउंस किया कि उनके क्रिप्टो वॉलेट एप्लीकेशन वर्ल्ड ऐप पर डेली एक्टिव यूजर्स 1 मिलियन पर पहुंच गए हैं। ये नंबर नवंबर 2023 में 100K डेली एक्टिव यूजर्स था। जुलाई 2023 को लॉन्च्ड वर्ल्ड कॉइन खुद को प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करता है। ये प्रोजेक्ट यूजर्स को अपने आयरिस स्कैन्स के बदले में नेटिव टोकन में पे करता है। द सेल्फ स्टेटेड गोल ऑफ वर्ल्ड कॉइन इज टू अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम बाय इशूइंग एवरीवन ऑन द प्लैनेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स नेकेड WLD टोकन इन एक्सचेंज फॉर वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी। वर्ल्ड कॉइन पर काफी कंट्रीज में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रही है। अब आपको क्या लगता है, कुछ टोकन के लिए अपना आयरिस स्कैन दे देना फेयर डील है? न्यूज नंबर फोर, जापान सीक्स टू अलाउ सर्टेन VCs टू इन्वेस्ट directly in crypto and Web3 startups. Japan में crypto को मिली big win. Japanese cabinet ने एक crypto related एक proposal को approve कर दिया है, जिसके according अब local investment limited partnerships अपने list of assets में crypto को भी acquire और hold कर सकती हैं। इसके बारे में जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने फरवरी 16 को अनाउंस किया। लोकल न्यूज आउटलेट कॉइन पोस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया दैट द प्रूव रिविजन विच कंटेन्स अमेंडमेंट्स ऑफ द एक्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस वुड एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लोकल स्टार्टअप्स एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज। सच रिविजन वुड अलाउ वेंचर कैपिटल फर्म्स टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स दैट ओनली इशू क्रिप्टो। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल द बिल हैज बीन सबमिटेड टू द लेजिस्लेटिव body and will be deliberated upon. News number 5. Ether staking deposits touch $85 billion. 25% of circulating supply now locked up. Ether ki beacon chain mein total staked amount up 3 crores 2,6800 ETH pahunch gayi hai, jo ki Ethereum ki total circulating supply ka nearly 25% hai. In staked ETH ki value $85 billion se zyada hai aur currently beacon chain par validators bhi ab 943974 ho gaye hain. February Ethereum ke liye kaafi bullish month banta nazar aa रहा है, जहां एक तरफ इन्वेस्टर्स का फोकस अब ईथ की तरफ आ रहा है, वहीं लेके चलते ईथ की प्राइस भी $3,000 को टच कर चुकी है। अब आपको क्या लगता है, क्या हमें ईथ का नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज़। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉइनएक्स को सब्सक्राइब करें।